दोस्तों यसकेस इलेक्ट्रॉनिक्स में सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। कैसे दोस्तों, आयो पक्ष होंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक ट्रैक्टर का एम्पलीफायर आया हुआ है रिपेयर होने के लिए। इसमें समस्या क्या है, इसे यहाँ पे लाइट जल रही है लेकिन हमारा जो ब्लूटूथ पैनल होता है ये नहीं जल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको लगाते हैं, पावर दे, ये हमारे बैटरी से चलता है। देखिए हमारा बैटरी रखा हुआ है, इसको मैंने तार यहाँ पे निकाल रखा है और इसको हम लगाएंगे। एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाते हैं कि ऐसी कौन सी इसमें समस्या बन गई है जो ये हमारा पैनल है नहीं जल रहा है। तो इसको कैमरा को ओपन करते हैं सेट, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारे ये जहाँ बैटरी से आए हुए यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहे हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं। तो 12 वोल्ट चेक करके आप लोगों को दिखाते हैं। मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट पे सेट करना है, इसको ऐसे। और जो हमारे बैटरी का तार आया हुआ है, जो हमारा वाइट वाला है प्लस का है, जो ब्लू वाला है वो माइनस का है। देख लीजिए 12 वोल्ट आ रहे हैं हमारे, बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसको अब लगाएंगे इसके जो हमारे इस एम्पलीफायर में, इसको हटा देते हैं पहले। और इस वाले में हमारे जो ये हैं, ये देख लीजिए, एक रेड है एक ब्लैक है, ये हमारे प्लस के और माइनस के हैं। जो हमारा रेड वाला है ये प्लस का है, जो ब्लैक वाला है ये माइनस का है, और जो बैटरी वाला था हमारा वाइट वाला प्लस का था। ठीक है दोस्तों, इसको इस पर हम लगा देंगे। देख लीजिए हमने लगा दिया, और जो ब्लैक वाला था और ब्लू वाला था इसको लगा देंगे, ये हमारा माइनस के थे। ठीक है दोस्तों, इस पर भी स्लीविंग लगा देंगे। देखिए हमने स्लीविंग लगा दी ऊपर ताकि आप इसमें टच ना हो। इस बोर्ड में जो हमारा ये 44-40 का बोर्ड है, इसमें पावर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों को लाइट आ चुका है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारा ये पैनल नहीं जला है। तो दोस्तों यही इसमें प्रॉब्लम है, पैनल नहीं जल रहा है। जब तक हमारा पैनल नहीं जलेगा तब तक हमारे कोई भी आवाज़ या कोई भी सेक्शन हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको पहले चेक कराएंगे। इसको चलाने के लिए हमारे 5 वोल्ट ज़रूरी होते हैं, 5 वोल्ट आना चाहिए। 5 वोल्ट कहाँ से आते हैं देख लीजिए, जो हमारा 78.05 लगा हुआ है यहाँ से हमारे 5 वोल्ट आउट होता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसको पलट लेते हैं, देखते हैं इसके 5 वोल्ट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इसको पहले यहाँ से निकालेंगे, इसको मैंने निकाल लिया यहाँ से, क्योंकि अगर ये भी जो ब्लूटूथ वाला पैनल है ये शॉर्ट होगा तब भी हमारे 5 वोल्ट नहीं बनेंगे। किसी किसी में बनते हैं, किसी किसी में नहीं बनते। इसको मल्टीमीटर को उठाते हैं, अपने मल्टीमीटर को सेट करते हैं डीसी 20 वोल्ट पे। अब इस पैनल वाली पे जो 5 वोल्ट इस पे चेक करते हैं, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। देख लीजिए हमारे कोई वोल्टेज नहीं यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब एक को हम ग्राउंड कर देंगे और देख रहे हैं यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। 78.05 पे 12 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पहले डायोड पे चेक करते हैं, देखिए हमारा 12 वोल्ट बढ़ रहा है यहाँ पे डायोड पे, और जो हमारा डायोड आउट करता है देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी 12 वोल्ट बढ़ रहे हैं। और जो हमारी पहली पिन होती है हमारे 12 वोल्ट इनपुट की होती है, इसलिए यहाँ पे देख लेते हैं 12 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। देखिए तो 12 वोल्ट आ रहे हैं। और दूसरी जो हमारी पिन होती है ग्राउंड होती है, तीसरी हमारी 5 वोल्ट आउट होती है। देख लीजिए हमारा यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आ रहे हैं। जब तक ये हमारे 5 वोल्ट नहीं बनेंगे तब तक हमारा ये पैनल जो ब्लूटूथ वाला पैनल होता है ये नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तब तक हमारा ये वर्क सही से वर्क नहीं करेगा। तो इसको पहले निकाल लेते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। पहले इसको निकालने से पहले ये देख लिए, हमने दूसरे किट से निकाला हुआ है, ये 78.05 ही है, इसमें लगाएंगे, इसको निकालेंगे पुराने वाले को, फिर इसको लगाएंगे, फिर देखते हैं कि इसका 5 वोल्ट बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, जो भाई पहली बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको पहले निकाल लेते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। Thank you.
बैटरी से मैंने चिमटी उमटी लगाए थे उसको हटा लिया है, और ये 78.05 लगा हुआ है, इसको इसको निकालेंगे। दोस्तों देखिए हमने इसको निकाल लिया है, इसका नंबर देख लीजिए आप, इसका नंबर आप लोग देख लीजिए। इसका नंबर भी 78.05 ही है, ठीक है दोस्तों। अब इसको यहाँ पे साफ कर लेंगे जहाँ से हमने निकाला है इसको, सही से इसको सही से साफ कर लेंगे। तो जो हमने पुराना वाला निकाला था उसमें से उसको लगाएंगे यहाँ। तो दोस्तों इसको हमने साफ कर लिया है, इसको मल्टीमीटर को थोड़ा अलग रख देते हैं। अब ये जो हमने दूसरे मशीन से निकाला हुआ है 78.05 है, इसके पीछे हिस्टिंग लगा हुआ है, इसके पीछे हिस्टिंग नहीं लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम पहले लगा लेते हैं, जैसे लगा हुआ था इसको, ये हमारा ऐसे लगा हुआ, इस साइड लगा हुआ था। तो दोस्तों देखिए हमने इसको सही से बैठा लिया है, अब इसको हम सोल्डिंग कर देंगे, इसको सोल्डिंग कर देंगे आराम से। तो दोस्तों देखिए हमने 78.05 लगा दिया है, ठीक है दोस्तों। दूसरे मशीन से निकाला हुआ हम इसमें लगा दिया है, देख लीजिए यहाँ पे लग चुका है, सोल्डिंग भी कर दिया है। अब इसको हम बैटरी की चिमटी लगाते हैं अपनी, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं हमारे 5 बोर्ड जो बने कि नहीं बने। देखिए हमने लगा दिया है, और जो हमारा ब्लैक वाला है इसको ग्राउंड कर देंगे, और लोगों को दिखा रहे हैं 12 बोर्ड यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये देख लीजिए हमारा 12 बोर्ड यहाँ पर आ रहे हैं, आ चुके हैं। अब इसके हम जो पिन आउट होते हैं 5 बोर्ड के लिए, वो यहाँ पे बने कि नहीं बने, तो देख लीजिए दोस्तों। हमारे यहाँ पे 5 बोर्ड बन चुके हैं, देख लीजिए। तो दोस्तों ये हमारे 5 बोर्ड बन चुके हैं, अब हमारा ये कार्ड चलेगा, 100% चलेगा। अब इसको जो हमारा 5 बोर्ड का ये कनेक्शन हटाया था, इसको पहले कर लेते हैं, पहले बैटरी से चिमटी हटा लेंगे, फिर 5 बोर्ड वाला जो है हमारा यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे, यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे कार्ड वाला जो। देखिए दोस्तों हमने इसको कनेक्शन कर दिया है, इसका कनेक्शन कर दिया है, जो हमने जिक निकाली थी इसको जिक भी लगा देंगे। ये देखिए हमने जिक भी लगा दी, अब इसकी चिमटी लगाएंगे, देखिए हमारा चला कि नहीं चला हमारा कार्ड, देखिए हमारा कार्ड चला कि नहीं चला। तो दोस्तों देखिए हमारा कार्ड बिल्कुल ओके हो चुका है, देख लीजिए किस तरह से चल रहा है, देख लीजिए हमारा नंबर यहाँ पर पहले नहीं आ रहा था, अब नंबर आ चुके हैं, देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमारे यहाँ पे नंबर आ चुके हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें 78.05 जो रेगुलेटर होता है ये ख़राब हो चुका था, इसको हमने दूसरा लगा दिया, 78.05 हमने रेगुलेटर दूसरा लगा दिया, हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल यहाँ पे नंबर नहीं आ रहे थे, यहाँ पे नंबर आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने हम किस तरह से आप लोगों को रिपेयर करके दिखाया स्टेप बाई स्टेप, इस तरह से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत, वंदे मातरम।